नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकती है कुछ स्टॉक्स में। इंडेक्स लेवल की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है 200 पॉइंट्स की गिरावट, लेकिन गिफ्ट निफ्टी जिस भाव पे उस भाव पे हम ऑलरेडी हैं, तो क्या यहां से 200 पॉइंट हम लोग जाएंगे? इन सब के बारे में मैं आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूं। देखो, हमारे पास गिरने के लिए क्या है इस समय? गिरने के लिए हमारे पास है सेबी ने जो कुछ किया है एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर, और इसको मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया कि ये मार्केट के लिए कितना नेगेटिव है। उससे ज्यादा समझना ये पर्टिकुलर चीजों के लिए नेगेटिव है। एफएनओ की ट्रेडिंग थोड़ी कम हो सकती है, वॉल्यूम्स कम हो सकते हैं, और वो नेगेटिव है एक्सचेंजेस के लिए, वो नेगेटिव है ब्रोकर्स के लिए। इससे ज्यादा वो बाजार को कहीं कहीं से कहीं तक इंपैक्ट नहीं कर पाएगा। अब एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स की बात करें तो दोस्तों, एक्सचेंज में हमारे पास केवल बीएससी लिस्टेड है, तो वो कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम में आता हुआ दिखेगा कल। तो बीएससी के स्टॉक में एक भारी भरकम गिरावट आपको कल देखने को मिल सकती है, और अगर नहीं मिलती तो किस्मत मान लीजिएगा, अदरवाइज मिलनी चाहिए, और मिलनी चाहिए करीब 5-10% तक की दोस्तों, क्योंकि बड़ी डिपानी चाहिए जितना बड़ा एक्शन हुआ है। पर एक्सचेंज वन वीक पर एक्सचेंज की वीकली बेसिस पे एक ही एक्सपायरी हो पाएगी, अब तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स अपने आप में घटेंगे काफी हैविली, और बीएससी का शेयर जो मेनली भागा है ना, वो वॉल्यूम्स के चलते ही भागा था। अब देखते हैं बीएससी बैंकेक्स को जारी रखता है या फिर आपका सेंसेक्स को जारी रखेगा वीकली बेसिस पे, तो बीएससी के स्टॉक के लिए कल बड़ी गिरावट संभव है। दूसरी तरफ बड़ी गिरावट संभव है दोस्तों ब्रोकिंग स्टॉक्स के लिए, जिसमें एंजल वन का नाम बोलूंगा मैं, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का नाम बोलूंगा मैं, मोतीलाल ओसवाल का नाम भी बोल सकता हूं मैं, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स हैं। एंजल वन स्पेशली वो डिस्काउंट ब्रोकर है और बड़े लेवल पे क्लाइंट बेस है उसका, तो वहां पे अगर ट्रेडिंग रुकी तो बड़े लेवल पे उनके भी मुनाफे पे इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ये ब्रोकर्स क्या है, डिलीवरी पे पैसा भी नहीं लेते आपसे, ट्रेडिंग से ही पैसा बनता है इनका ब्रोकरेज। अब ये लोग क्या करेंगे, कैश मार्केट में भी पैसा लेने लगेंगे, और ऑलरेडी रिसेंटली एंजल वन ने तो आपके लिए मंडे को अनाउंस किया ही था, इन्होंने प्राइस हाइक मार दिया है। तो ये सारी चीजें इनके लिए बड़ा नेगेटिव है। पॉजिटिव सीडीएसएल के लिए, बट अगर बीएससी ये सब गिरेंगे तो शायद सीडीएसएल भी नीचे आ जाए, लेकिन आपको इन तीनों ही स्टॉक्स में, चारों ही स्टॉक्स में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बनानी है, क्योंकि क्वालिटी कहीं से कहीं तक खराब नहीं है। इस चीज को लेकर बाजार बहुत समय से सोच रहा था, अब चीज आ गई है, गिर सकते हैं, गिरेंगे, गिरावट पे आप ले लीजिएगा, मेरा ही मानना है। हाँ, पहले दिन मत लीजिएगा, एक आध दिन वेट कर लो, फ्राइडे को या मंडे को देख लेना, तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। दूसरी बात, इसराइल ईरान अमेरिका रिएक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा, हरे निशान में 100 पॉइंट ऊपर है डाउ इस समय, तो मेरे को नहीं लगता कि इस पर रिएक्शन आएगा। बट विक्स अमेरिका में बड़ी प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है, कल 15% भाग गया था, आज हालांकि 3% नीचे है, तो ये अच्छी बात है। तो मेरे को लगता है केवल नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक स्पेसिफिक होगा, बीएससी में हो सकता है, ब्रोकिंग स्टॉक्स में हो सकता है दोस्तों, यहां आपके लिए नेगेटिव एक्शन आ सकता है। बात करते हैं अदर चीजों के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्या ट्रिगर है इस समय? नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों ट्रिगर है ग्लोबल मार्केट। सो ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, अमेरिका फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहा है हर एक लिहाज से, मैं आपको डेटा बता देता हूं। डाओ 70 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक 32 पॉइंट्स ऊपर है, एसएमपी 500 6 पॉइंट ऊपर है, रसल 2000 4 पॉइंट, सब हरे निशान में, कोई दिक्कत नहीं है। यूरोप के मार्केट्स की बात करें, मिले जुले हैं, लाइक फिटसी आपके लिए 1/4% ऊपर है, डेक्स आपके लिए 0.4% डाउन है, और कैक बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है। एशिया पैसिफिक बटा हुआ है, जापान एक बार फिर टूट गया 2%, शंघाई बंद था गया आज, तो हैंगसेंग 6% भागा है फिर से, कॉस्पी में 0.25% की गिरावट देखने को मिली है, तो ताइवान के मार्केट्स भी आपके लिए हल्की फुल्की, नहीं 1% ऊपर है ताइवान, तो मिला जुला है, कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है मेरे को। स्टॉक स्पेसिफिक आपके लिए एक्शन बड़े हो सकते हैं जो चली रहे हैं। सबसे पहले तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा कच्चे तेल से रिलेटेड। दोस्तों इतनी सब कुछ होने के बाद ग्लोबल में कच्चे तेल में बड़ी उठापटक हो सकती है, वैसे तो 2% ऊपर बंद हुआ है, तो कच्चे तेल पे हमें नजर बना के रखनी चाहिए, गोल्ड के प्राइसेस पे भी नजर बना के रखनी चाहिए। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो ऑटो सेल्स के नंबर आ रहे हैं, और भी कुछ कंपनियों के नंबर आपके लिए आते हुए दिखेंगे, टाटा मोटर्स के खराब थे, बाकी सबके अभी तक तो पॉजिटिव साइड पे ही दिख रहे हैं मुझे, नंबर्स आपके लिए आते हुए दिखेंगे। बैंक्स के क्वार्टरली अपडेट आएंगे दोस्तों, तो वहां पे भी हमें नजर बना के रखनी चाहिए। बाकी ऐसी कोई खास मेरे को बड़ी डिप या बड़ी तेजी या बड़ी मंदी नहीं दिखती है, केवल और केवल रिएक्शन आएगा, और वो होगा वन, आप ये कह सकते हो वन डे वंडर बोल सकते हो, एक दिन 24 मैक्सिमम 48 घंटे एक्शन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। एफआईडीआई इसके डेटा की बात करें तो ये बड़ा नेगेटिव है, और 3 दिन से बिकवाली चल रही है, तो ये नेगेटिव है, ये गिराने का काम कर सकता है, सेबी का एक्शन गिराने का काम कर सकता है, ये दो चीजें नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल कैश मार्केट में एफआई 5600 करोड़ की सेलिंग करके गई, फ्यूचर एंड ऑप्शंस फ्यूचर एंड इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर एंड स्टॉक इंडेक्स माफ कीजिएगा स्टॉक फ्यूचर्स इंडेक्स फ्यूचर्स में मिला के
2700 करोड़ की सेलिंग करके गई। ऑप्शंस में 18,524 करोड़ की सेलिंग करके गई। DIIs अपनी हिम्मत के अनुसार 4600 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, बट होगा कैसे? तो ओवरऑल मार्केट के लिए ये डेटा काफी नेगेटिव है, बाकी सब देखा जाए तो न्यूट्रल ही है, कुछ ऐसा नहीं है। बिना बात के आपके साथ बोलूं ये वो फलाना ढिकाना, वो फायदे वाली बात नहीं है। बाकी जो भी का लोग आपके साथ ओपन मार्केट में जुड़ी जाते हैं 10:30, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।